बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सारे भैन भाइयों अल्लाह पाक खुश रखे आबाद रखे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो मैं राली ब्लॉग्स इन्हू कर लियो ताकि हर वीडियो बर वक्त थे मिल सके। अच्छा जी तकरीबन 1:30 बज गया वा तो मैं सारे मसाले पहले तैयार किए। पहले मैं दूसरे फोन वीडियो शुरू की थी कहते नहीं ये बनाने मैं थोड़ा कैमरा पकड़ता पहले सौन लगे थे तो मैं हम बना लगी हाँ देसी मुर्गा नारियल वाला देसी घी दे विच ते कुछ चीज़ा मैं लिया के रख लिया नारियल नहीं लिया के रखा फ्रिज पिया वा अग जल गई है तो हाँ जी मैं चेक करके आई हाँ ले ला के रखा देख जी साबन का ही ये पावे जी प्याज प्याज गए मेरे बारे तुसी अपना 3 महीने 4 फड़िया सीगा लसन दी कलियां टमाटर मिर्चा तो मेरी भूख च बड़ा असर बड़ी समझदार अग हवा चलती है लेकिन ये देसी मुर्गा अग तो ज्यादा मजेदार बनता वा इतने सारे फूकना कितनी है खुली छह एक मिनट खलो जाना मैं भैन भैया एक बार रेसिपी पूरी देनी है इस चीज़ की ताकि जिदा बनाना वा मुर्गा साडा इन्ना ज़्यादा भी सख्त नहीं है इस करके एक उबाला मैं पहले प्याजा नूं दवा लैनी हाँ थोड़ा जहा पानी पा के ना इन्ना पहले एक उबाला प्याजा नूं दवा लेना वा क्योंकि प्याज में खड़ा चंगा नहीं लगता तो मैं दिनी थोड़ा जहा टक्कनी एक दो उबाले इन्हू दवाने तो अगर मुर्गा सखा तो फिर नारी पा देना वा क्योंकि साडा एडा बड़ा नहीं है ब्लाक हाँ जी हाँ जी तुझे भूख नहीं लग के ले आओ तो ये अगे मिट्टी भरी है सीमेंट भरिया है खड़ी एक मिनट मैं कट दूँ कट के छोड़ूंगा मैं थले मारे एक बारी इन थोड़ी बरीक करा सख्त आले बड़ा पी लेता ऐ दी फूक देखे वाज दी पैणो भराओ चलियां होंदियां ना कि ओ टोटे स्टील दा जेड़े भाई ग्रिल वाले दे के केसन सैंपल सैंपल निशानी पई रहन दे फूक नहीं बनाई है। अच्छा जी इतने हम पावे गोश्त नॉल गलते नहीं रहना है जी देसी मुर्गा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छा जी देसी मुर्गा शुक्र अग बल गई मैं कैसी अज हवा चल नहीं सारा अग हवा नहीं धुआं मैनू सारा जाता यदा मतलब है मेरी अम्मा जी बहुत प्यार करते हैं जिन्हें तू आ जाए सासू बहुत प्यार करती होंगी है मेरी अम्मा जी मैं बहुत प्यार करते हैं। अच्छा जी पानी मुर्गा मिक्स कर लिया वा तो नाल जड़े आ दालचीनी मोटी इलायची नमक दड़ा मिर्च हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर ये भी मिक्स करके तो मिठी अग तो असं नरम करा सारी रेसिपी मैं अपने भैन भरावान दूंगी इंशाल्लाह तो इस तरह मुर्गा दस लाजमी बना के खाए ना थोड़ा लक दुखगा ना थोड़े गोडे दुखे मैं कर नहीं हवा चलती है देख मैं तम चलो जी अच्छी तरह मिक्स हो गया वा बस इन्ने मसाले पाने दो मोटिया इलायचियां पाइया वा तो दालचीनी पाई है तो आए मसाले तो हूँ उत्ते मठी अग से पकाना वा तो बस फिर बेच ना चमचा हिलाते रहना वा माशाल्लाह जी लसन एवे एवे कर लेंगे एवे एवे एक मिनट में पहले बोटी देख ला नरम होगी
हाँ जी बोटी नरम हो गई है। आ जी हूँ असी नारियल है ना ये इतने क पा देंगे इन्ने पानी रेंदे हैं। कोकोनट एक खोपा वा कद्दूकश किया हो एक मुर्गे दे विच मठी अग बिल्कुल मठी कर देनी है। एक सौ मिनट इतने पकते ना फिर यदि मैक नहीं आती तो बहुत प्यारा मुर्गा बनता। मैं कहनी हाँ क्या कहने अच्छा जी तकरीबन थोड़े थोड़े पानी बिल्कुल मठी अग से 5 मिनट वास्ते असी नारियल पा के पकाया वा तो हूँ इतने पावे असी जी देसी घी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम घर का देसी घी देसी घी अच्छा तुसी पा लो हमारे घरों की सिग्नेचर रेसिपी है। चलो जी देसी घी पा के नाल इतने असं पा देवे जी कुटिया जीरा कुटिया धनिया पाइया सी लेकिन एंड थोड़ी जी काली मिर्च ये भी जो तो हरी मिर्च है अदरक नहीं पाया हर शायद नहीं गर्म अदरक ना भी पाया तो कोई गल नहीं घी छोड़ दिया ना फिर हल्की अग ते बुनाई करनी घी कम साडा घी होर पौना पैना देसी मुर्गा सा मैं कहनी शेरा थोड़ा है शेरा पता बुनाई भी ते करनी है ना सीधा कहो तो मैनू कलांज पैन डई है चलो साग तुसी देसी क्यों खाना अच्छा जी तकरीबन 15 मिनट वास्ते असी मठी मठी अग ते बुनाई करनी है बिल्कुल मठी मठी अग ते अगर जिन्हें को अग है अग ते पकान जिन्हें को अग नहीं है तो वह सिलंडर उन्हें मजबूरी है फिर सिलंडर के बीच पक सकता कुकड़ कड़ाई च नस नहीं सकता लेकिन जायका यदा बहुता कोलियां बनता है एंड तो हम जो असं दम देना ना कोलियां तेन मैं कहनी आए हाय हाय आए हाय हाय माशाल्लाह ऑयल छड़न दिया। अच्छा जी इतने असी 2 चम्मच पानी से पा के ना तेन दम देना वा ज्यादा नहीं नीचे भी ना लगे तो पानी भी ज्यादा नहीं पाना मिक्स कर देवे घुट के दे देंगे जी दम मैनू धनिया मैं लिया कि फ्रैश तो मैं कह के सली डोई फेरियो तो अली ने पिछले डोई नहीं फेरी शुक्र है मेरा कुकड़ बच गया जो ना बचता ना तो अली की खैर है नहीं सी मैं कह के भी गई हाँ पुछ के गई हाँ नहीं जी जी तो थले सारी हर शायद लालो लाल हुई होनी सी कालो काली हुई हुई होनी सी मैनू खुद नजर आ जाना सी जो जम्मी हांडियां पकाउनियां अच्छा जी अग हुण असीं निकाल देनी बाहर कोले है कोलियां तो प्यार वे हिसाब किताब चलो जी 1 मिनट हो गया 1 मिनट कोलियां तो प्यार वे हांडा हांडी हांडा तू आ ना मेरे आलू में मैं कहता हैं कोले पड़े हाँ जी मैं इधर कोले करा ये सारी साह ते पाई ना जिदा बुझ जाती ठंडी हो जाती है तो फिर कन काला हुंदा अच्छा जी हुण देखिए हांडी रोटियां अंदर पकानियां इत्थे आवाज बहुत चलती है आए हाय 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 हले लेकिन सेक ते रखना वा होर लेकिन धनिया पा दिए ढक्कन फटियो बिस्मिल्लाह रहमान नी नज़दीक 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 अच्छा उस्ताद जी आए हाय मैं कहनी हाँ जी मिक्स कर दिए हल्का जहाँ तो उत्ते 2 मिनट वास्ते कवर कर दिए 2 मिनट वास्ते तो फिर जोड़ा ऑयल छड़ना वह भी छड़ दें तो जी खुशबू आ वह भी बिच आ जाए रख दो उत्ते रख दो बस
सेक ते 3-4 मिनट वास्ते यह कोले जिहड़े इहनू टेस्टी बनाउंदे आ। हाँ जी टेंट लै चलो जी। देसी मुर्ग देसी घी दे विच देसी अग ते देसी धनिया। अच्छा फिर ठीक है ना कि जे मैनू कल्ली नू देसी किया ना अपने आप नू वलायती किया। चलो जी एक बारी मेरी ना दिखाओ लुक दिखाओ ते चल मेरे भाई तेरी लुक नहीं सालन तेरे दी मजेदार है ना पराठे खाते कसम ते मैनूं यकीन है कुकर देख के तो सारा भुख लग जांदी मैनूं खुद लगी ते हुण असीं खावांगे बना के खाना। इस रेसिपी नूं इस तरह लाजमी ट्राई करियो ते बनायो अग ते अगर जिन्हां कोल अग दा सिलसम है ना हुण क्योंकि कोलियां ते इन्हें पिया रहना हले 1-2 मिनट होर ते रब सुन दे हवाले रब रखा अल्लाह हाफिज़।